दोस्तों अभी बीते 2-3 दिन पहले विवेक सिंह और विशाल सिंह का इतना भारी मुद्दा आया था बीच में, इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी भोजपुरी एक्टरों के मैनेजर और भोजपुरी एक्टरों के भाईचारे वाले जो संबंध हैं उन सबको लेकर के बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था। इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था कि एक दूसरे को लोकेशन तक शेयर करने की नौबत आ गई थी। और बात तो सही है नौबत तो दोस्त मतलब ऐसे आ गए थे कि लगता था कि एक दूसरे को मारेंगे ही और बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, लेकिन देखिए इन सब मैटर में अगर खेसारी लाल यादव को देखा जाए तो खेसारी लाल यादव को भाई इनका जो दर्जा है ना मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ऊपर है। और देखिए पवन सिंह की बात करें तो इनका दर्जा मालूम चल जाएगा आपको इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और चैनल को क्या करना है आपको पता ही है। जब कंट्रोवर्सी चला था तो विवेक भैया लाइव आए थे, आपको पता होगा। और लाइव में क्या बोले थे आपको भी ये भी पता होगा। उन्होंने बोला था कि तू मेरा देख और मैं तेरा देख लेता हूं। ये जो शब्द है इसे आप याद रखिएगा, क्योंकि इस शब्द पे मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं और उस चीज को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई मतलब तुच्चा सा आदमी और लुच्चा सा आदमी कौन है। और खेसारी लाल यादव से जो बराबरी करते हैं उनके टक्कर में मतलब आना दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है। देखिए खेसारी लाल यादव से इनका कंपेयर करना मतलब कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि भाई अपने आप को बहुत बड़े स्टार मानते हैं और इतने बड़े वाले स्टार मानते हैं कि भाई इनको कहीं ना कहीं साबित करके तो हमको दिखाना ही पड़ेगा कि भाई आप धोखे में जी रहे हो, अंधेरे में जी रहे हो, सच्चाई क्या है हम आपको दिखाते हैं। देखिए खेसारी लाल यादव जो है इतने बड़े कंट्रोवर्सी हो चुका है और इन सब मैटर में अभी तक उन्होंने अपना हाथ पैर उंगली कुछ भी नहीं डाला है। और बात करें पवन सिंह की पावर स्टार की, भैया आपके इतने बड़े कलाकार जो है इनकी बात करें तो देख लीजिए एक पोस्टर, देख लीजिए ये पोस्टर देख लीजिए, इसके बाद हम इस पे बात करते हैं। ये पोस्टर देखिए आप और इसमें जो डायलॉग लिखा हुआ है इसको आप याद कीजिए कि ये कौन बोला था। देखिए विवेक भैया यही बात बोले थे कि तू मेरा देख ले मैं तेरा देख लेता हूं। अब ठहरे भैया पवन सिंह, अब इनको तो भाई इतने हल्के आदमी है कि इनसे कोई बात बोल दिया जाए उसमें ना पड़ना ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। देखिए पवन सिंह जो है इस लफड़े में आ गए हैं और आ कैसे गए हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए खेसारी लाल यादव का जो लफड़ा चला था और पवन सिंह की टीम का जो लफड़ा चला था उसमें विवेक भैया बोले थे कि तू मेरा देख ले और मैं तेरा देख लेता हूं। अब इसी पंच लाइन को उठा करके, इसी बात का जो टुकड़ा है इसे उठा करके पवन सिंह अपने गाने में इसका टाइटल दे दिया है कि तू मेरा देख ले मैं तेरा देख लेता हूं, इसी प्रकार से टाइटल है। और इस गाने को वो रिलीज करने वाले हैं 22 तारीख को। देखिए मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सबसे हाईलाइट मुद्दा था और मुझे लगा कि भाई ये कंट्रोवर्सी का एक नया तरीका है पवन सिंह की तरफ से, फिर से मतलब शुरू किया जा रहा है। अब देखिए ये सब बता दें हम आपको कि शुरू करते हैं पहले वही और बीच में खूब ताव बांधेंगे, खूब ज्यादा हवा बनाएंगे, ए करेंगे और करने के बाद फिर जब मामला हद से ज्यादा बढ़ जाएगा तो शांत हो जाएंगे और फिर से आकर के लाइव में आकर के माफी मांगेंगे या फिर जो करना होगा टोटरमबाजी वो करेंगे। और आपको क्या लगता है कि ये कंट्रोवर्सी जो है फिर से ओपन करने का काम कौन सा टीम कर रहा है? खेसारी लाल यादव का टीम कर रहा है या फिर पवन सिंह का टीम कर रहा है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।